हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, कि आप सब जानते ही, अब मनी इन द बैंक के पेपर व्यू को होने में कुछ ही दिन बचे हैं एंड इस साल का मनी इन द बैंक थोड़ा डिफरेंट भी होने वाला है, स्पेशली मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच, क्योंकि इस बार यह हमें देखने को मिलने वाला है WWE के हेड क्वार्टर्स में, जहां पर सुपरस्टार ग्राउंड फ्लोर से लड़ना स्टार्ट करेंगे एंड टॉप फ्लोर तक जाएंगे, जहां पर रहेगी मनी इन द बैंक की कॉन्ट्रैक्ट। एंड जहां पर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट रहने वाली है, वहां पर WWE ने किस तरह से चीजों को अरेंज किया वो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ फोटोज लिख हुई है क्योंकि मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच ऑलरेडी टेप हो चुका है, बस WWE को इसमें कुछ एडिटिंग करना बाकी है। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मेरे पास मनी इन द बैंक 2020 से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स, इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर क्या हमें रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं मनी इन द बैंक 2020 में, एंड रोमन रेंस से रिलेटेड एक गुड न्यूज है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनी इन द बैंक 2020 से अपडेट से। तो आप सबको मैंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच का बैटिंग ऑर्ड्स बताया था कि अगर बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन उस मैच को जीत सकता है, एंड तब तक उन्हीं मैचेस के बैटिंग ऑर्ड्स निकल कर आए थे। बट अब मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के भी बैटिंग ऑर्ड्स निकल कर आ चुकी है, एंड आप सबको नहीं पता कि WWE यूनिवर्सल एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में कौन कौन जीत सकता है। देन WWE चैंपियनशिप मैच में बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ड्रू मैकएंटायर हराने वाले हैं सेथ रॉलिंस को। यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में बैटिंग ऑर्ड्स में ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट दोनों इक्वल है, एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच को एंड रिटेन कर लेगी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। तो गाइस, ये तो थे तीन मैचेस के बैटिंग ऑर्ड्स जो कि मैंने आप सबको उस वीडियो में बताए थे। बट बात की जाए मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की बैटिंग ऑर्ड्स की, तो शुरुआत करते हैं वुमेन्स से। तो आप सबको बता दूं, वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में जो सबसे आगे है बैटिंग ऑर्ड्स में वो है साइना बेजलर, यानी कि अभी की करेंट बैटिंग ऑर्ड्स के हिसाब से इस साल का वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतने वाली है साइना बेजलर। इसके बाद नाम आता है नाया जैक्स का, उसके बाद लेसी एवेंस का, उसके बाद आस्का, एंड सबसे कम चांसेस है डायना ब्रूक के। तो ये तो थे वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की बैटिंग ऑर्ड्स। तो अब बात की जाए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की बैटिंग ऑर्ड्स की, देन सबसे पहला नाम आता है एलिस्टर ब्लैक का, यानी कि बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग एलिस्टर ब्लैक के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके बाद नाम आता है बैरन कॉर्बिन का, उसके बाद डैनियल ब्रायन का, उसके बाद अपोलो क्रूज का, एंड सबसे कम चांसेस है इस मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीतने के रे मिस्टीरियो के। तो ये तो थे वो नाम जो कि अभी बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग जीतते हुए दिख सकते हैं इस साल का मेंस एंड वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, कि क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मनी इन द बैंक 2020 में हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकएंटायर के मैच में हमें शायद से क्लियर विक्ट्री किसी के भी देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को WWE लगातार दूसरे पेपर व्यू में नहीं हराना चाहेगी, एंड WWE ड्रू मैकएंटायर को भी WWE चैंपियनशिप लूज नहीं करवा सकती। तो यहां पर हमें या तो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन या फिर काउंट आउट के जरिए खत्म होते हुए दिख सकता है, या फिर हमें यहां पर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन होते हुए दिख सकती है। बट एक और जो इस मैच में पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है वो ये है कि ब्रॉक लेसनर यहां पर हमें इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं इस मैच में, एंड वो आकर ड्रू मैकएंटायर पर हमें अटैक करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जब ड्रू मैकएंटायर के WWE चैंपियनशिप मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, देन उन्होंने यहां पर एक थिंग बोली थी, वो ये कि तुम्हारे एंड मेरे में एक चीज कॉमन है, और वो ये है हम दोनों ने ब्रॉक लेसनर को हराया। और इसके बाद स्पेकुलेशन लगने चालू हो गई कि इस मैच में हमें ब्रॉक लेसनर की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। तो गाइस, ऐसा हो तो सकता है, बट से चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। पहला तो ये है कि ब्रॉक लेसनर अभी इस वायरस वाले सिचुएशन में भी अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए वो घर में बैठे हुए हैं, एंड विंस मैकमैन ने ये साफ साफ कह दिया था कि अभी हमारे पास ब्रॉक लेसनर भी नहीं है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है वो ये है, अभी मनी इन द बैंक के बाद कोई भी ऐसा पेपर व्यू नहीं है जिसमें हमें ब्रॉक लेसनर कम्पीट करते हुए दिख सकते, क्योंकि आप सबको बता दूं मनी इन द बैंक एंड एक्सट्रीम रूल्स के बीच में भी एक पेपर व्यू आने वाला है। अब वो पेपर व्यू स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स होता है या फिर कोई और, वो तो अभी नहीं पता, एंड काफी कम चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर छोटे पेपर व्यू में रेसल करे। अगर समर स्लैम से पहले की पेपर व्यू रहती जैसे कि एक्सट्रीम रूल्स, देन मैं कहता कि हाँ वहां पर ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, जिसके बाद हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनते हुए दिख सकता है समर स्लैम 2020 में। बट अभी ब्रॉक लेसनर मनी इन द बैंक 2020 में आए, इसके थोड़े मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। बट आप सब मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी हुई थी बिग डॉग रोमन रेंस से और उनसे रिलेटेड एक गुड न्यूज। तो आप सबको बता दूं, रोमन रेंस कल इंस्टाग्राम में लाइव आए थे अपने कोच नील योडा हिल के साथ, और वो लगभग रात के 1:30 से 2 बजे तक लाइव रहे थे, जिनकी लाइव मैं पूरी देख रहा था बैठकर। एंड में उनकी कनेक्शन थोड़ी सी लो हो गई, जिसकी वजह से उनके कोच जो कि है नील, वो पहले डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एंड बाद में चलकर रोमन रेंस की भी वीडियो पॉज हो जाती है, एंड वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या कहा जाए ये लाइव स्ट्रीम एंड हो जाती है। बट
उन्हीं कुछ आधे घंटे में रोमर ड्रेस ने कई सारे फैंस के क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब मैं सारी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकता इस वीडियो में, हो सकता अगली वीडियो में कुछ पार्ट्स कवर करूं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले एक फैन ने जॉन मॉक्सली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, यानी कि डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड। तो रोमर ड्रेस ने वहां पर जॉन मॉक्सली तो नहीं कहा, कहा डीन एम्ब्रोस से उनकी बात अभी रेगुलरली होती रहती है एंड वो उनके लिए हैप्पी है जो भी वो अभी कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने कोच की भी काफी ज्यादा तारीफ की थी, उनके आने से काफी ज्यादा उनके अंदर चेंज आया, वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस वायरस वाली सिचुएशन में वो अपने फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करे एंड वो काफी ज्यादा लकी है कि उनके पास ऐसी कुछ चीजें जिसकी वजह से उनके घर में भी टाइम स्पेंड हो जाती है। एंड यहाँ पर रोमन रेंस ने अपने रिटर्न से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, बट एक इंपॉर्टेंट थिंग जो रोमन रेंस ने रिवील की और मैं जो कह रहा था गुड न्यूज के बारे में, वो ये है कि 9th मार्च 2020 को उनके घर में ट्विंस आ भी चुकी है। तो मैंने आप सबको लगभग एक दो हफ्ते पहले बताया था कि मसल एंड फिटनेस के साथ हुए इंटरव्यू में रोमन रेंस ने ये थिंग रिवील की थी कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है दो ट्विंस बेबी के साथ। और मैंने आप सबको बाद में ये भी बताया था कि हो सकता है ये इंटरव्यू थोड़ा पुराना हो, बट मसल एंड फिटनेस ने इसे बाद में रिलीज किया हो एंड तब तक शायद रोमन रेंस के घर में हैप्पीनेस आ भी गई होगी। तो गाइस ऐसा ही हुआ एंड रोमन रेंस ने इस चीज को क्लियर भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम लाइव पर। तो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात किया था रोमन रेंस ने अपने कोच के साथ लाइव आकर। इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात की थी रोमन रेंस ने जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मुझे लगी देन मैं आगे कुछ वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप रोमन रेंस की मनी इन द बैंक स्टेटस जाना चाहते हैं, देन मैंने आप सबको पहले बता दिया कि वो मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में नहीं आने वाले है। वो पॉसिबली अपना रिटर्न वो हमें समर स्लैम के बाद ही करते हुए दिखेंगे। अगर तब तक भी पूरी तरह से वायरस वाली सिचुएशन खत्म नहीं हुई, देन हो सकता है रोमन रेंस का रिटर्न डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर देखने को मिले। इसलिए कह सकते हैं जब तक ये वायरस वाली सिचुएशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक शायद से हमें रोमन रेंस WWE में अपना रिटर्न करते हुए नहीं दिखेंगे। एंड अब तो उनके घर में ट्विंस बेबी भी आ चुकी है जिसकी वजह से रोमन रेंस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, जो कि उन्होंने कहा भी था अपने इंस्टाग्राम लाइव पर। इसके अलावा गाइस अगर आप सब गेमिंग में इंटरेस्टेड है, देन आप हमारे सेकंड चैनल जो कि है द गेमर हिमांशु उसमें आकर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सबको डेली वीडियोस देखने को मिलेगी मेरी कमेंट्री के साथ। एंड अभी मैं WWE 2K20 खेल रहा हूं, इसलिए अगर आप सबने अभी तक उस चैनल को चेकआउट नहीं किया देन ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना आप मनी इन द बैंक 2020 में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैं तो पर्सनली WWE चैंपियनशिप मैच के लिए हूँ एंड आप रोमन रेंस को नीचे उनके ट्विंस बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।